हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन फॉर इंश्योरेंस जो एपीएफसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने uh, क्या कवर करना है हम hmm. कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होती हैं जो इंश्योरेंस के अंदर यूज होती हैं क्योंकि टर्म बेस्ड क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंश्योरेंस uh, जैसे टॉपिक्स uh, के अंदर इम्पोर्टेंट रहते हैं और यू भी इनमें से सवाल जो है वो पूछता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को uh, यहाँ पर हम समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ये हमारा एजेंडा रहेगा तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ फाइल्स के लिए तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में से जब आप लिंक से पेमेंट कर देते हो आप एक्सेस मिल जाता है नाइन्टी नाइन रुपीज़ आपको पे करने होते हैं पीडीएफ फाइल्स के लिए उसके बाद माय कोर्सेज में जाना होता है उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से आपने लॉग इन किया है ठीक है तो वहाँ पर जाकर के आपको डाउनलोड करनी है बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि पी मेल पर आएगी पी आपको कोई मेल पर नहीं आएगी पी आपको वेबसाइट पर से ही डाउनलोड करना है ओके okay, उसके अलावा आप एम कॉम्बो कोर्स भी एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर इसमें आपको आई आर लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एम मिलते हैं एंड यू पी एस कोड आप यूज़ करोगे 50 परसेंट ऑफ मिलेगा एंड एम कॉम्बो कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको लिए आपको पी फाइल्स के लिए अलग से एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है चलिए सबसे पहली जो हमारी टर्म आ जाती है वो आ जाती है एब्सोल्यूट असाइनमेंट तो ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट बेसिकली क्या है इसको समझते हैं So, absolute assignment का मतलब क्या है यहाँ पर policy holder जो है 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 पर पर जो 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 वो 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 अपनी अपनी को को कर देता यानी कि जो उसके नाम ना की जो ownership है, वो किसी दूसरी पार्टी को दे रहा है। okay? And इस transfer, absolute assignment या फिर कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कंप्लीटली पॉलिसी के अंदर जो भी जहां पर भी प्रीवियस ओनर का नाम था वहाँ पर नए ओनर का नाम आ जाएगा जो भी प्रीवियस ओनर के राइट्स थे वहाँ पर नए ओनर के राइट्स हो जाएंगे और जो ओरिजिनल ओनर था उसको रीजन भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्यों वो अपनी जो पॉलिसी है वो किसी दूसरे के नाम पर कर रहा है ओके तो अगर किसी भी पॉलिसी के अंदर जब आप ले रहे हो और वहाँ पर एब्सोल्यूट असाइनमेंट का क्लॉज है तो उसका मतलब क्या है कि आप अपनी ओनरशिप उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी तरह का रीजन देने की जरूरत नहीं है ठीक है कोई कंडीशन उसके साथ नहीं जुड़ी हुई हो होती वो होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट नेक्स्ट होता है एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट इसको हमने पहले भी समझा था दो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये बेनिफिट्स जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली लाइफ पॉलिसी ली ठीक है आपने लाइफ पॉलिसी ली तो लाइफ पॉलिसी जनरली क्या होती है कि इन केस जो पॉलिसी होल्डर है जो जिसने लाइफ पॉलिसी ली है अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको बेनिफिट मिलेगा जन ये होता है ना लाइफ इंश्योरेंस का मतलब लेकिन एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको कोई सीरियस मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए जो इंपॉर्टेंट है करना जिंदा रहने के लिए लॉन्ग टर्म केयर के लिए तो उस केस में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपना कुछ बेनिफिट जो है वो पहले से ही क्लेम कर सकता है दो लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना उसको डेथ के बाद था उसको क्या मिलना था उसके बेनिफिशियरी को मिलना था बट एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट के क्लॉज में क्या हो गया कि उसने डेथ होने से पहले ही जो है कुछ बेनिफिट क्लेम कर लिया ठीक है नाइनटीन एटीज में ये शुरू हुआ था स्पेशली एड्स पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए जिन पेशेंट्स को एड्स होता था ओके okay? तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या अब देखो जी अगर एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट का क्लॉज है तो उस केस में प्रीमियम चार्जेस बढ़ जाते हैं जो भी पॉलिसी के प्रीमियम है और दूसरा क्या होगा क्योंकि आपने बेनिफिट डेथ से पहले ही कुछ क्लेम कर लिया है तो जब पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होगी जब उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होगी तो उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसको जो अमाउंट मिलेगा वो कम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी डेथ से पहले कुछ अमाउंट जो है वो उसने क्लेम कर लिया है ओके okay, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट इसके अंदर मेनली आपने क्या याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में बिफोर डेथ भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो पर्सन है वो कुछ क्लेम जो है वो ले सकता है और उससे क्या होगा एडीबी से प्रीमियम चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे और जो डेथ बेनिफिट है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन तो एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन के अंदर बेसिकली तो ये जनरली कंपनीज इसको फॉलो अप करती हैं तो एक्सेलरेटेड डिप्रीशन के अंदर क्या होता है जितनी नॉर्मल डिप्रिसिएशन होनी चाहिए वीयर एंड टीयर के थ्रू जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन या उससे हाइयर अमाउंट डेप्रिसिएशन का आप शो कर रहे हो यानी कि डेप्रिसिएशन इन ट्रू सौ रुपये की हो रही है लेकिन आप अकाउंट बुक्स के अंदर दो सौ रुपये की जो डिप्रिसिएशन है वो दिखा रहे हो ठीक है तो ये बेसिकली किसी लिए होती है अल्टीमेटली ताकि कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाए नॉर्मल अगर हम कॉरपोरेट सिनारियों में देखें तो ये क्या होता है ये एक्सलरेटेड डेप्रिसिएशन होता है ठीक है जी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अब इंश्योरेंस के केस में भी एक्सेलरेटेड एक्सलरेटेड का यूज किया जाता है अब फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने अपने गाड़ी की इंश्योरेंस ले रखी है ठीक है गाड़ी की इंश्योरेंस ली हुई है और उस गाड़ी okay? उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ओके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो गई जो है क्लेम लेने क्लेम के पास गई वो ठीक होकर के आ गई इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम भी मिल गया अब जो ठीक होकर के आई वो रिपेयर होकर के आई तो गाड़ी जिस कंडीशन में पहले थी एक्सीडेंट से उसी कंडीशन में आ गई बट फिर भी इन जनरल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है और वो ठीक भी हो गई है फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है आप ये बोलते हो कि यार ये तो एक्सीडेंटल कार है तो इसका प्राइस जो है वो कम हो गया दो वो बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट उसके अंदर नए ओरिजिनल पार्ट डले हैं कंपनी से ठीक होकर के आई है पूरा आपने पैसा खर्च दिया बट फिर भी आप उसकी अगर मार्केट वैल्यू निकलवाने जाओगे तो वो मार्केट वैल्यू कम निकल करके आएगी क्योंकि वो एक्सीडेंटल कार की कैटेगरी में आ जाती है है ना तो उस केस में फिर ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का प्रोविजन यूज किया जाता है क्योंकि व्हीकल की वैल्यू जो है रिड्यूस हो गई है तो फ्यूचर में जब इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी को अगले साल जब इंश्योरेंस उसकी निकालेगी तो वो देखेगी कि अल्टीमेटली एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी ठीक है तो इसीलिए कंपनी इसको देखना पड़ता है कि आ, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है क्योंकि अगर ऑलरेडी गाड़ी एक्सीडेंटल है तो उसको उसकी वैल्यू जो है वो कम करके वो उसका इंश्योरेंस जो है पॉलिसी बनाएगी इंश्योरेंस कंपनी ओके एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बेसिकली इसके अंदर क्या आता है जब आपका जो इंश्योर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की सभी टर्म्स को एग्री कर जाते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं ओके और आप जब एक बार एक्सेप्टेंस हो गई इंश्योरर और इंश्योर ने अपना टर्म ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया उसके बाद कवरेज तब तक रहेगी जब तक पॉलिसी होल्डर जो है वो प्रीमियम पे कर रहा है अगर वो प्रीमियम को डिफॉल्ट करता है तो फिर कल को जाकर के वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा क्लेम नहीं दे रहा मेरे को इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि एक्सेप्टेंस के अंदर टर्म क्या है कि भैया जब तक तू प्रीमियम पे कर रहा है ओके एंड कई बार क्या होता है जो इंश्योरर होता है एक्सेप्टेंस से पहले वो कुछ ना कुछ टेस्ट कराएगा एग्जामिनेशन कराएगा जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के केस में कंपनी क्या करती है इंश्योरेंस करने से पहले वो बंदे को बोलेगी कि तूने जाकर के इस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाकर के अपना हेल्थ चेकअप कराना है वो क्यों जाती है कि भाई किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया अब ऑलरेडी जिस बंदे ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो कोई इलनेस से सफर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल उस बंदे को कैंसर है ऑलरेडी है बट वो इंश्योरेंस कंपनी को बता नहीं रहा वो सोच रहा है कि मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ एक बार इंश्योरेंस हो गया फिर मेरा सारा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस में से निकल जाएगा बट उसको तो ऑलरेडी है ना तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों करेगी कि भाई जिसको ऑलरेडी कैंसर है उसको क्यों पॉलिसी बेचेगी तो उससे तो नुकसान हो जाएगा कंपनी को इसीलिए वो पहले बोलेगी कि तू चेकअप करा और चेकअप कराने के बाद वो देखेगी हाँ भाई इस बंदे को ये ये बीमारी है तो वो उस हिसाब से अपनी प्रीमियम एडजस्ट करेगी गाड़ी के अंदर भी ऐसा ही होता है जब आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस को रिन्यू कराते हो तो एक असेसर आता है वो चेक करके जाता है कि हाँ भाई गाड़ी में कहीं ऑलरेडी एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा आज आपकी आज बंदे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कल को वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने चला गया इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसकी इंश्योरेंस कर दी दो दिन बाद वो पहुंच जाएगा क्लेम लेने है ना तो इसीलिए एक्सेप्टेंस से पहले कई बार जो है फिजिकल चेकअप जो है फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो होता है नेक्स्ट आ जाता है एकमोडेशन लाइन एकोमोडेशन लाइन बेसिकली क्या होता है इंश्योरेंस कंपनियां ना अपने कुछ कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आफ्टर द एक्सेप्टेंस हैज डन दोनों ने पॉलिसी बन चुकी है दोनों ने एक्सेप्टेंस दे चुकी है उसके बाद भी जो इंश्योर्ड है जो क्लाइंट है उसको अलाउ कर देती है कि हाँ जी आप अपना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो बेसिकली एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये किया जाता है तो लाइन क्या होती होती है 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 जहां पर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी रेडी एडजस्टमेंट के लिए नेक्स्ट आता अकाउंटेंट्स ये एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो स्पेशली जो अकाउंट्स के प्रोफेशन के अंदर अकाउंटिंग के प्रोफेशन के अंदर होते हैं ना वो लोग लेते हैं अब अकाउंट्स में क्या होता है जैसे अकाउंटेंट जो होता है उसको ना रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाता है कि भाई अगर कल को अकाउंट्स के अंदर कोई पैसे की हेरफेर होगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उस लॉस को फुलफिल करे ठीक है दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उसके ऊपर केस कर दे या कंपनी उसको बोले कि भाई तूने एक लाख रुपए का लॉस कर दिया फॉर एग्जांपल ये दे लेकिन अकाउंटेंट कहता है कि ये मेरी गलती से कि नहीं हुआ तो आपस में दोनों के बीच में एक लीगल केस शुरू हो जाता है ठीक है तो उस केस में अकाउंटेंट को कोर्ट का खर्चा भी उठाना पड़ेगा तो इन सब चीजों से प्रु... प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग प्रोफेशन में जो जुड़े हुए लोग हैं जैसे अकाउंटेंट बुक कीपर ऑडिटर उनके लिए ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस है ताकि कल को अगर जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली उनके किसी डिफॉल्ट की वजह से लॉस ऑफ मनी हो भी गया कंपनी को तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको फुलफिल करेगी या फिर अगर कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है तो वो सारा खर्चा भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल इंश्योरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल इंश्योरेंस ये कमर्शियल इंश्योरेंस है अब इसके अंदर क्या होता है देखो एक बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे आपके कस्टमर्स होते हैं जो आपसे आपका प्रोडक्ट तो ले जाएंगे लेकिन उन्होंने आपको अभी तक आपका पैसा नहीं दिया है ठीक है आपको अभी तक आपका पेमेंट नहीं दिया है आपने एक तरीके से उधार पे फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को सामान सम, बेचा अब हो सकता है कि कुछ तो आपको वो पैसा वापस करेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पैसा वापस नहीं करेंगे ठीक है अब दो चीज़ें हो सकती हैं या तो कस्टमर ही नहीं पैसा दे रहा या फिर जो आपके रिकॉर्ड थे जहां पर लिखा हुआ था कि आपने किस किस कस्टमर से क्या क्या पैसे लेने हैं वो फॉर एग्जाम्पल आग लग गई और वो कॉपी जल गई जिसके अंदर लिखा हुआ था किससे कितने पैसे लेने हैं तो अब याद ही नहीं है बंदे को कि किससे कितने लेने हैं <coughs> तो ये भी एक तरह का लॉस है तो उस केस में ये अकाउंट्स रिसीवेबल इंश्योरेंस आता है ये क्या करता है अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा बैड डेट हो गया या किसी कारण से आप रिकवर नहीं कर पा रहे कस्टमर से तो उस केस में वो पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, है oh नेचुरल इवेंट है ठीक है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते जैसे लाइटनिंग फ्लड टोर्नेडो अर्थक्वेक उनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता तो इसीलिए बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी वो लिख देती हैं कि अगर कोई नुकसान एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा ओके? पॉलिसी टू पॉलिसी एक्ट ऑफ गॉड को डिफाइन अलग से किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी देने लगी है कि आप राइडर्स यानी कि एक तरीके से जो एड ऑन होते हैं वो परचेज कर सकते हैं ये एड ऑन प्रोटेक्ट करते हैं एक्ट ऑफ गॉड से भी ओके okay, सो so, uh, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड किसी के भी कंट्रोल में नहीं है इसीलिए इन राइडर्स के लिए या एड्स के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल कैश वैल्यू सो एक्चुअल कैश वैल्यू बेसिकली क्या होता है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ओरिजिनल uh, एसेट uh, की वर्थ को मेजर करती है इंश्योरेंस क्लेम के लिए ठीक है फेयर मार्केट प्राइस को उसके अंदर देखा जाता है कि भैया जिस दिन हादसा हुआ चोरी हो गई या डिस्ट्रॉय हो गया उस दिन उसका मार्केट प्राइस क्या था ठीक है उस दिन उसका मार्केट प्राइस क्या था और उसी के ऊपर क्लेम मिलेगा ठीक है फॉर एग्जांपल गाड़ी बंदे ने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई उस टाइम पे उसकी वैल्यू दस लाख रुपए थी और उसने प्रीमियम भी वो दस लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से दे रहा था और एक साल बाद या दस महीने बाद उस गाड़ी के अंदर आग लग गई इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कहता मेरी दस लाख की गाड़ी थी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं हम देखते हैं कितने की गाड़ी थी दस महीने बाद मार्केट प्राइस जो था उस गाड़ी का जो कंपनी गाड़ी बनाती थी उसने उसका मार्केट प्राइस कम करके आठ लाख रुपए कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको दस लाख रुपए के हिसाब से क्लेम नहीं देगी कि तूने दस लाख के हिसाब से हमारे से इंश्योरेंस कराई थी नहीं वो कहेगी आठ लाख रुपए की आज की डेट में गाड़ी तो जो आज की डेट का प्राइस है उसी के हिसाब से तुमको जो है क्लेम भी मिलेगा

टोटल लॉस एक्चुअल टोटल और बेसिकली टोटल लॉस ये जैसे अगेन इसके अंदर हम व्हीकल्स का एग्जाम्पल लेंगे कई बार क्या होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसा हुआ इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो इिपेयरेबल है कि उसको रिपेयर ही नहीं कराया जा सकता हम कई बार इिपेयरेबल क्यों बोल देते हैं कि भाई जितने में ये रिपेयर होगी उतने में नहीं आ जाएगी तो इ हम उसको बोल देते हैं कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का कंप्लीटली रुइंड है वो। उसको रिकवरी नहीं कर सकते ओनर उसको यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस केस में हम बोलते हैं एक्चुअल टोटल लॉस और इसमें जो क्लेम मिलेगा वो मैक्सिमम कवरेज का मिलता है वो कितना मिलता है मैक्सिमम कवरेज का मिलता है ठीक है जी मैक्सिमम कवरेज फॉर एग्जाम्पल अगर आठ लाख की पॉलिसी है तो फिर वो आठ लाख के हिसाब से ही मिलेगा जनरली क्या होता है जैसे अगर कार में कोई छोटा मोटा हेडलाइट टूट गया तो फिर आपकी पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल आठ लाख है तो लेकिन आपको इंश्योरेंस आठ लाख का थोड़ी मिलता है उस हेडलाइट के प्राइस के हिसाब से ही मिलता है ना पर जब एक्चुअल टोटल लॉस है तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है गाड़ी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा लेकिन इसमें क्या होता है इसमें वंस यू आर वंस अ पर्टिकुलर एसेट इज डिक्लेयर्ड एक्चुअल टोटल लॉस और उसके लिए आपको क्लेम भी मिल गया तो जो वो एसेट होता है ना जो इिपेयरेबल है या जो जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती वो फिर एसेट आपका नहीं रहता वो एसेट जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था गाड़ी टोटल लॉस में चली गई ठीक है तो एक बार वो गाड़ी टोटल लॉस में चली गई तो जो भी उसका बॉडी या जो भी वो जला हुआ या कुछ भी बचा है ना वो इंश्योरेंस कंपनी का है वो आपका नहीं है इंश्योरेंस कंपनी उसको स्क्रैप में बेचे उसका कुछ भी करे ठीक है उसमें फिर आपका कोई लेना देना नहीं है सो दीज वर द इंपोर्टेंट टर्म्स गईस अभी अभी और भी इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे धीरे तो, लेक्चर्स के अंदर ऑलरेट right, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो बताएं कैसा लगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड टेलीग्राम का लिंक तो है डिस्क्रिप्शन में चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय